हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम ऐसो CCL के लाल लाली जो स्कीम है तो उसका जो सिलेबस है वो क्या है तो उसी के बारे में यह वीडियो है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो इस वीडियो में आपको ऐसा डिटेल में बताया जाएगा कि क्या सिलेबस है सो आपको पढ़ना है। अगर ये सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर देते हैं, पूरा सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम है सो 100% निकल जाएगा। ओके, तो यही सिर्फ आपको पढ़ना है और कहीं पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो अगर आप इतना सिर्फ कंप्लीट कर देते हैं सिलेबस को तो आपका सिलेक्शन है सो 100% हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस आपको बता रहे हैं ये 2022-24 के लिए है, ये ऑफिशियल सिलेबस। ओके, चलिए तो जो आपका सिलेबस का जो पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा आपका, जैसे कि मैथ का जो सिंपल चीज़ रहता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फ्रैक्शन वाला कुछ क्वेश्चन रहता है तो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो रहता है मैथ में वो है सो जनरल एप्टीट्यूड में आता है। ओके, तो जो रीजनिंग में रहता है वो क्या रहता है, रीजनिंग में आपका ऐसा डायरेक्शन सेंस मतलब दिशा पहचानने के लिए क्लॉक के बारे में कुछ रीजनिंग रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, मिसिंग नंबर को ऐसा आपको बताना है कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, तो ये सब ऐसा रीजनिंग में आता है। और लेटर टेस्ट रहता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट रहता है, तो ये सब ऐसा रीजनिंग में आता है। ओके, तो ये ऐसा पहला जो सब्जेक्ट है यही है। ओके, सिलेबस का पहला चीज़। ओके, तो ये सब आपको पढ़ लेना है तो आपका ऐसा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में देखिए यहाँ पर मोशन आएगा, फोर्स आएगा, वर्क आएगा, एनर्जी एंड पावर, तो ये सब है सो 9th क्लास का है सो। ठीक है, जो भी टॉपिक ऊपर है ये सब 9th क्लास का। ओके, ग्रेविटेशन भी 9th में ही है। इलेक्ट्रिक करेंट है सो आपका 10th में पढ़ना है। ओके, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ये भी 10th का है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितने भी फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, चलिए रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी 10th में है, लाइट चैप्टर जो है। ओके, ह्यूमन आई ये भी 10th का है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और जो ह्यूमन आई है ये है सो उसी चैप्टर में क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को जो 10th में ये ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है अगर उसको पूरा पढ़ देते हैं तो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए तो इस तरह से आपको फिजिक्स में पढ़ना था, केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ना है। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट 9th में ही पढ़ना था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ये सब है सो 9th में ही पढ़ना था। केमिकल रिएक्शन आपको कहाँ पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन है सो आपको 10th में पढ़ना है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपको 9th में पढ़ना था। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स आपको है सो 10th में पढ़ना। ओके, तो ये भी सब है सो जो भी 9th और 10th का सिलेबस मिला करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों को है सो इक्वल वेटेज दिया गया है, 9th का भी 50% पूछा गया है और 10th का भी 50% पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं कि यही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, फालतू कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली निकालना चाहते हैं तो जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं यही टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना है। ओके, और इसका जो PDF है आपको ऐसा टेलीग्राम पर भेज देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है सो नीचे है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। और लास्ट में आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में देख लीजिए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, तो मैथमेटिक्स में मेनली ऐसा 10th का ही फोकस किया गया है, तो देख सकते हैं पहला है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ में मतलब छोटा मोटा जो भी मैथ का होता है कॉन्सेप्ट वो सब आएगा। रियल नंबर आएगा 10th में है, पॉलिनोमियल 10th में है, तो देख सकते हैं 10th का ज़्यादा है सो मैथ में है। ओके, ये भी 10th में है, ट्रायंगल भी 10th में है, ट्रिगोमेट्री भी है सो 10th में है, स्टेटिक्स भी 10th में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 10th में है। ओके, AP भी 10th में है, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, लाइंस है सो आपका 9th में है। ओके, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th में है, तो सिर्फ लाइंस जो है वो टॉपिक है ये है सो आपका कहाँ है, 9th में है, नहीं तो सब है सो मैथ का 10th से ही पूछा जाएगा। 90% से 95% तक आपका है सो 10th से रहेगा मैथ में। ओके, लेकिन उधर है सो इक्वल दिया गया है, केमिस्ट्री में 50% 9th से दिया है, 50% 10th से दिया है। ओके, फिजिक्स में वैसे ही किया है। तो ये है सो आपका ऑफिशियल सिलेबस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आप इतना सिर्फ पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को तो आपका सो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप ऐसा प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो कि पिछले साल है सो पूछा गया क्वेश्चन इस स्कीम में जिसका नाम है CCL के लाल लाडली। ठीक है, तो जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो बहुत हेल्प करता है आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, इस स्कीम का, तो इस स्कीम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है सो आपको
टेलीग्राम ग्रुप पर हम भेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप है सो डाउनलोड कर लीजिएगा प्रीवियस सर्टिफिकेशन, ओके। नहीं तो आप है सो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CCL का लाल लाडली, वहाँ से भी आप है सो डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस सर्टिफिकेशन, ओके। और ये जो प्रीवियस सर्टिफिकेशन है आपको है सो सिर्फ 2017 का मिल जाएगा, 2018 का मिल जाएगा और 2019 का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद का किचन है सो मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है कहीं से अगर जुगाड़ किए हैं 2021 का तो आप हमें भेज सकते हैं, हम सभी बच्चों को ऐसे दे देंगे, ओके। मेरे पास है सो 3 साल का ही किचन है 2017, 2018, 2019, ठीक है। तो ये सब है सो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे और इसका सोल्यूशन भी है सो इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो ला पाते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कॉमेंट करें, आपका जो जवाब है वो ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।